छतरपुर विधानसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी की पूर्व मंत्री ललिता यादव सहित कांग्रेस बीएसपी सहित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा। बीजेपी की प्रत्याशी ललिता यादव ने सादगी से बीजेपी के नेताओं के साथ पर्चा दाखिल किया, लेकिन तहसील कार्यालय में उस समय अजीब तस्वीर देखने को मिली जब बीजेपी कांग्रेस सपा के तीनों प्रत्याशी एक साथ खड़े होकर बातचीत करते देखे गए। वहीं बीजेपी की प्रत्याशी ने अपने 10 साल के विधायक रहते विकास कार्यों का जमकर बखान किया। उन्होंने मोदी सरकार और शिवराज सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। वहीं शासकीय टीचर पद से रिटायर हुए सपा प्रत्याशी ने अपनी टक्कर बीजेपी प्रत्याशी से होने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी को चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ललिता यादव, आज मैंने नामांकन भरा है और ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने और सेवक के रूप में ललिता यादव ने दो बार विधायक रही, नगर पालिका के अध्यक्ष रही, तो जो विधानसभा में मैंने जो विकास किए हैं, जो काम किए हैं प्रदेश में, जो काम हुए हैं, हम अगर बात करें स्कूलों की तो विश्वविद्यालय से लेकर स्कूलों को उन्नयन, सड़कों की बात करें तो टाउन रोड हो, गांव-गांव को सड़क से जोड़ना। मैं अपने आप को सबसे आगे देखता हूं, क्योंकि मेरे जितने समर्थक हैं उन निस्वार्थ भाव से मेरे समर्थक हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। मुझको 30 जून को तो मैं रिटायर हुआ हूँ यार, और 3 महीने रिटायरमेंट हुए, कौन सी पार्टी में मैंने काम कर दिया? हाँ, उसकी विचारधारा के साथ कुछ दिन जुड़ा रहा, लेकिन टिकट नहीं मिला तो अब हम आ गए। हमारा मुकाबला ललिता जी से होगा।